नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादास्पद बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के फिल्म निर्माताओं को यह कहते हुए फटकार लगाई कि इसमें रामायण के पात्रों को बड़े शर्मनाक तरीके से दिखाया गया है। आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि रामायण, कुरान या बाइबल पर विवादित फिल्में बनाई ही क्यों जाती हैं, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा की प्रतिक्रिया वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर प्रभाव पड़ता है तो वह प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। चर्चाएं जोरों पर है कि लोकसभा चुनाव 2024 से लगभग 10 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी में है। ये बदलाव मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर बीजेपी के संगठन में भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं को मोदी कैबिनेट में कई नई मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी क्रम में हाल ही में पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी मीटिंग की है। कुल मिलाकर पीएम मोदी अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो चुनावी लिहाज से भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एनआईएस की एडिटर स्मिता प्रकाश से एक इंटरव्यू के दौरान गडकरी ने कहा कि कांग्रेस के दिवंगत नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें एक बार कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने की बजाय कुएं में कूद जाएंगे। भारत ने नाटो प्लस दर्जे में शामिल होने को लेकर अपनी मनसा साफ जाहिर कर दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भारत के नाटो प्लस में शामिल होने की कवायद रोक दी। ऐसा भारत के अपने रुख पर अडिग रहने के बाद हुआ है। भारत को होशियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर नाटो प्लस का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने हाल ही में भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वॉर काफी चर्चा में, इसकी शुरुआत कमलनाथ से हुई थी। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया। दोनों ही दलों के नेताओं के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में बार कोड और स्कैनर लगाकर भ्रष्ट बताया गया है। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान के विरोध में लगाए गए पोस्टर्स में डिजिटल यूपीआई या फोन फेक के लोगों के साथ सीएम की फोटो और स्कैनर लगाया गया। इसे लेकर फोन पे ने लीगल कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि इन पोस्टर्स में फोन पे का लोगो लगाने पर फोन पे कंपनी ने आपत्ति जताई है। मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि बिना इजाजत सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गलत है और ऐसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार और महानगर पालिका प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता के विषय पर चल रही तीखी बहस के बीच जानकारी प्रदान की है कि कानून के इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के केवल 2 सप्ताह के भीतर पैनल को 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। पैकेज में विभिन्न घटक हैं जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के जोर देने के बाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोग ठीक से नहीं जानते कि समान नागरिक संहिता लागू होने पर क्या होगा, वे बस चीज़ों को मान रहे हैं क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि यह क्या है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार को ठीक से समझाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता वास्तव में क्या है, इसके बाद लोग इस पर उचित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर को समझाया नहीं है कि यह क्या है, लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय आज बकरीद का त्यौहार मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। उन्होंने सभी को मुबारकबाद देते हुए इस मौके पर सुख और समृद्धि के साथ समाज में एकजुटता और सद्भाव की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं, यह दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाइए, हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे, ईद मुबारक। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल भारत अभी तक इन दोनों ही जगहों के दर्शन के लिए चीन पर आश्रित था। चीन की ओर से परमिशन मिलने के बाद ही यहां की यात्रा संभव हो पाती थी क्योंकि यह दोनों ही तिब्बत क्षेत्र में आते थे।
पिछले 3 साल से चीन ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से यह यात्रा संभव नहीं हो सकी। ऐसे में पिथौरागढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक और चोटी की खोज की है, जहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। इसलिए यहाँ की यात्रा और दर्शन करने के लिए चीन की ओर से परमिशन की जरूरत नहीं है। 4 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर रेलवे ने पहली बार बड़ा फैसला लिया है। 2 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले को लेकर रेलवे ने फैसला लिया कि इस दौरान भागलपुर और सुल्तानगंज स्टेशन पर किसी प्रकार के नॉनवेज खाने की बिक्री नहीं की जाएगी, ना ही भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग किया जाएगा। रेलवे के अनुसार मेले में 3 जुलाई से ही आने वाले यात्रियों और कांवरियों को सिर्फ सात्विक भोजन के मेन्यू का लागू कर दिया जाएगा। इस बार सावन 2 माह का है, जो 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 8 सोमवार पड़ेंगे। किफ़ायती दामों में लोगों को अच्छी किस्म की दवाएं मुहैया कराने के लिए संचालित जन औषधि केंद्र में जीवन रक्षक सहित अन्य महत्वपूर्ण दवाएं कम हो गई हैं। 500 किस्म की दवाएं उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है, मगर वर्तमान में 400 प्रकार की दवाएं ही मौजूद हैं। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान के शासी निकाय की हुई बैठक में जरूरतमंद मरीजों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कैंसर संस्थान में भर्ती मरीजों की दवाइयों पर भारी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित मरीजों की मौत हो जाने पर उनके घर तक डेड बॉडी ले जाने के लिए सब वाहन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि प्रीडेटर ड्रोन सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाएगा। सेना इसकी खरीद को लेकर उत्सुक है। इन ड्रोनों का संचालन भारतीय नौसेना करती रही है, ये हेल वर्ग में आती है। हमने महसूस किया कि बेहतर निगरानी और समुद्री क्षेत्र में पहुँच बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है। अडानी ग्रुप ने अरबपतियों की लिस्ट में 4 पायदान की छलांग लगाई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अडानी ग्रुप टॉप 20 में पहुंच गए हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में आए उछाल की वजह से उनकी संपत्ति में बुधवार को $2.17 अरब का इजाफा हुआ है। इससे अडानी 23वें स्थान से 19वें स्थान पर आ गए हैं। इस समय उनके पास अब $61.4 अरब की कुल संपत्ति है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने सबमरीन के मलबे में मानव अवशेष मिलने की जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इन अवशेषों को मेडिकल टीम के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। बीते बुधवार को टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने अटलांटिक महासागर में गई टाइटन सबमरीन के मलबे को बाहर निकाल लिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारी इसे कैनेडा के सेंटर जॉन बंदरगाह पर लेकर आए। बता दें कि बीते 18 जून की शाम को पायलट सहित 4 टूरिस्ट को लेकर समुद्र में गई थी। इसके बाद सबमरीन संपर्क से बाहर चली गई और फिर कुछ दिन बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। ग्रीष्मावकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के चलते प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले 5 जजों के कॉलेजियम में बदलाव किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जगह जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत को कॉलेजियम में शामिल किया गया है। एक शोध में पता चला है कि हिमालय के पहाड़ों पर करीब 37% अधिक बर्फ पाई गई है। पर्यावरण वीर इसके लिए भारत में वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन को मुख्य कारण मान रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एक शख्स को 3 साल से ज़्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। उस पर 800 अवैध भारतीय लोगों को उबर टैक्सी के जरिए अमेरिका में लाने के आरोप लगे हैं। ऐसे में शख्स को मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 45 महीने की सख्त सजा सुनाई गई है। आरोप है कि वह कनाडा बॉर्डर से भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल कराता था और इसके लिए लोगों से मोटी रकम वसूल करता था। भारतीय मुसलमानों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान को लेकर भारत में काफ़ी बवाल मचा और भारत सरकार के मंत्रियों की तरफ से सख्त प्रतिक्रियाएँ दी गई। लेकिन अब चीन को भी मुसलमानों का दर्द दिखने लगा और चीन ने बराक ओबामा के बयान पर भारत को सलाह देने की कोशिश की है। सेना के कब्जे वाली जमीन के दावेदार जयंत कर्नाड के वकील हिमांशु मेहता से ईडी ने बुधवार को लंबी पूछताछ की। अधिवक्ता हिमांशु पर आरोप था कि उन्होंने जयंत कर्नाड से संपर्क किया, उसे उक्त भूमि का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए कागजात जुटाया। हिमांशु पर यह भी आरोप है कि उसने कोर्ट में जयंत को उत्तराधिकारी घोषित कराया था, साथ ही इसके एवज में उसने जयंत से अच्छी खासी रकम भी वसूली थी। आतंकवाद और उनका समर्थन करने वालों के साथ ही भारत कभी खड़ा नहीं हो सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से यह बात कही है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर एस जयशंकर ने कहा, हम जब पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात करते हैं तो हम कभी भी आतंकवाद को सामान्य घटना नहीं मान सकते। वहीं हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को चर्चा का आधार बनाकर बात नहीं करना चाहते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने भारत जोड़ो यात्रा में KGF Chapter 2 के गाने को के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने पाले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भगवान श्री अमरनाथ जी के पवित्र यात्रा को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि ISI ने कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर टाइगर फोर्स, पीपल्स एंट्री फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी, जाबाज फोर्स, गजनवी फोर्स जैसे छदम आतंकी संगठनों का कैडर सक्रिय किया गया है। 2019 के चुनावों की ही तरह 2024 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ने का FRP बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल करने और प्रति बैग 242 रुपये की यूरिया सब्सिडी देने समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हुए आरोपों के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। कोर्ट की सजा पर संसद से अयोग्य करार दिए जाने चुके राहुल गांधी ने बीते बुधवार को महंगाई और बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, ये किसका अमृतकाल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों की ओर से जानलेवा हमला घोर निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अभय कुमार, पीयूष, मोहम्मद, साकिर हुसैन, अरहब खान, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में वर्षा की क्या स्थिति है। अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।